हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जियो फोन में OTG सपोर्टेड है या नहीं है। तो दोस्तों, ये मेरा पहला OTG जो वायर वाला है, और ये रहा मेरा दूसरा OTG जो बिना वायर का है। और दोस्तों, मेरे पास सैंडिस्क का 8GB मेमोरी कार्ड है और एक कार्ड रीडर भी है। और दोस्तों, मेरे पास एक 16GB HP का पेन ड्राइव है। तो दोस्तों, सबके साथ आज मैं चेक करने वाला हूँ जियो फोन में OTG सपोर्टेड है। तो दोस्तों, कार्ड रीडर में मैं अपना चिप लगाता हूँ, ये देखिए मैं इसको इंसर्ट किया। और दोस्तों, ये बिना वायर वाला OTG के साथ कनेक्ट किया, तो इसमें लाइट जलता है, इसमें चेक करना है लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये घुस नहीं रहा ठीक से, इसको अच्छा से घुसाता हूँ। देखिए दोस्तों, घुसा है, ये थोड़ा सा घुसा, पता नहीं ये सपोर्ट किया है कि नहीं, लाइट भी नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, इसमें गैलरी में जाके देखना है कि इसमें सपोर्ट किया है। तो दोस्तों, इसमें ये सपोर्ट नहीं किया है और ये ठीक से घुसा भी नहीं है, ये शायद इसमें सपोर्ट नहीं किया। तो दोस्तों, मैं दूसरा OTG लगा के देखता हूँ, इसको खोल लेता हूँ, इसमें 16GB लगा के पहले देखता हूँ। दोस्तों, इसको मैं घुसाता हूँ फिर से, तो वेट करते हैं दोस्तों। ये मैं घुसाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, शायद OTG छोटा मुँह है इसलिए शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो दोस्तों, मैं दूसरा OTG से आपको चेक करके दिखाता हूँ। दोस्तों, ये देखना है OTG सपोर्टेड है कि नहीं। तो दोस्तों, हमको लग रहा है इसमें OTG सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी OTG नहीं लिया है। ऊपर आप देख रहे हैं रेडमी नोट 4 में मैं OTG लगाया हूँ जो रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है। तो दोस्तों, उसमें OTG सपोर्टेड है, इसमें OTG सपोर्टेड है, जियो फोन में OTG सपोर्टेड है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।